हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट स्टडी किया था, ठीक है। आज उसी बेसिस पे हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए सेट ए उसके एलिमेंट गिवन है ए बी सी डी ई, दूसरा सेट गिवन है बी सी डी ई एफ उसके एलिमेंट है, फिर इससे सी सेट गिवन है बी डी और डी सेट में है ए ई, और क्या पूछा है हमें कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है तो यहाँ पे कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखो, क्या बोला है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी इज इन बी देन वी कैन से दैट सी इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब सी के पूरे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में। तो यहाँ पे सी कहाँ पे है, ये सी के एलिमेंट क्या है, बी और डी, और ये C के एलिमेंट किस में होने चाहिए, B में। B के एलिमेंट देखो, यहाँ पे B है क्या, नहीं है, D है क्या, है, मतलब एक ही एलिमेंट C का किस में है, B में है, पर B यहाँ पे नहीं है, तो ये सबसेट हुआ C इज अ सबसेट ऑफ B, नो। क्यों, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C व्हेन प्रेजेंट इन B देन वी कैन से दैट C इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये सबसेट हुआ, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। ओके, पहला स्टेटमेंट फॉल्स। दूसरा, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, मतलब ए के पूरे एलिमेंट किस में होने चाहिए, डी में, पर यहाँ पे देखो ए सेट ये है, इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई, ठीक है, और दूसरा सेट कौन सा गिवन है, डी, डी सेट, डी सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, मतलब पॉसिबल है क्या ए के पूरे एलिमेंट उसमें होंगे, नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स। तीसरा स्टेटमेंट देखो, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब डी के पूरे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में, तो यहाँ पे देखो ई है, दोनों इसमें क्या है, ई है, लेकिन बी में ए नहीं है, जो डी का एलिमेंट ए है वो बी में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स, क्योंकि D के पूरे एलिमेंट B में नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट B में है। उसके बाद D इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ A, D के एलिमेंट क्या है, A और E, किसमें होनी चाहिए, A में, D इज अ सबसेट ऑफ A है, A भी है और E भी है, ठीक है, दोनों एलिमेंट A में है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, मतलब ये क्या है, ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू, क्योंकि D के पूरे एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट है कौन से, A और E, दोनों एलिमेंट किस में है, A में है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। फिर से फिफ्थ वाला स्टेटमेंट, B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A, B के एलिमेंट देखो C D E F, यहाँ पे C D E है लेकिन F नहीं है, B इज अ सबसेट ऑफ A बोला है, तो B के पूरे एलिमेंट किस में होने चाहिए, A में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे F नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, फॉल्स, ये भी क्या हुआ, फॉल्स। देन लास्ट स्टेटमेंट, C इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है, तो C के एलिमेंट क्या है, B एंड D, और किस में होने चाहिए, A में, B एंड D, तो दोनों के दोनों एलिमेंट किस में है, A में है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। समझ में आया, ये पूरा किस पे डिपेंड है, सबसेट पे। सबसेट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें क्या बोला गया था कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी इज इन बी देन वी कैन से दैट सी इज अ सबसेट ऑफ बी, इसके पूरे के पूरे एलिमेंट, जो छोटा और जो हम आगे लिखते हैं वो सेट हमेशा क्या होता है, दूसरे सेट से छोटा सेट होता है, तो अगर सी के एलिमेंट बी में है तो सी इसका सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ क्या बताना था, ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन थे यहाँ पे, हमें सिर्फ ये ट्रू है या फॉल्स है यही बताना था।
चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब हमें नेचुरल नंबर का सेट लेना है, कहाँ से, 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब एक यूनिवर्सल सेट लेना है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है 1 से 20 तक। उसके बाद क्या बोला है, एंड शो द सेट एक्स एंड वाई यूजिंग अ वेन डायग्राम। यहाँ पे हमें एक एक्स सेट दिया है और एक वाई सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट कौन सा लेना है हमें, 1 to 20 तक नेचुरल नंबर, और यहाँ पे दो सेट्स गिवन है एक्स एंड वाई। इन दोनों सेट को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में। ओके तो चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यू लिखना पड़ेगा, यू यू मतलब यूनिवर्सल सेट। उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सल सेट हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब हमें 20 तक क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट लेना है। क्या बोला है, टेक द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर का सेट लेना है जो कि 1 से 20 तक है। अब हमें x और y को क्या करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो x का फॉर्म है ये कौन से फॉर्म में है, ये रूल मेथड में गिवन है। तो सबसे पहले इसको हमें लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x क्या बनेगा, x इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये x क्या है, नेचुरल नंबर है, पर कहाँ से, 7 less than x less than 15। मतलब 7 और 15 के बिटवीन जितने भी नेचुरल नंबर है वो कहाँ पे आएंगे, x में आएंगे, पर वो 7 से ग्रेटर होने चाहिए और 15 से लेस होने चाहिए। तो 7 से ग्रेटर मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 तक, क्योंकि 15 से लेस बोला है और 7 से ग्रेटर बोला है। तो ये हो गया इसका लिस्टिंग फॉर्म। ओके तो हमें x और यूनिवर्सल सेट को किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में। जैसे मैंने बोला था कि यूनिवर्सल सेट हमेशा हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल में। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, बराबर है। और x के लिए हम क्या लेंगे, एक सर्कल लेंगे, ठीक है, सर्कल ले लेंगे। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं x के वो किस में आएंगे, x में आएंगे। तो यहाँ पे लिख लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके ये हो गए x के एलिमेंट। अब बचे हुए एलिमेंट किस में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 20 तक। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया, 9, 14। अब लास्ट नंबर कौन से, 14 के बाद के, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके ये हो गए x के एलिमेंट और ये हो गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में पूरे एलिमेंट आने चाहिए 1 to 20 तक, और x में कितने आने चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन है 7 से ग्रेटर होनी चाहिए और 15 से लेस होनी चाहिए। तो ये हमारा रूल फॉर्म था, हमने पहले उसको लिस्टिंग फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन को, मतलब ये जो दूसरा सेट गिवन है वाई, इसको भी हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, और इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी रूल मेथड में गिवन है। सबसे पहले हमें इसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लिस्टिंग मेथड में। तो क्या बोला है, y इज अ सेट ऑफ y सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर। ये फिर से नेचुरल नंबर है, पर क्या है, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। मतलब 1 to 20 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो कौन से सेट में होंगे, y सेट में। तो 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसके बाद 2 आएगा, 3, 4 नहीं, 5, 6 नो, 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17 एंड 19, ठीक है।
तो ये कितने नंबर से, 8 नंबर से। तो ये पूरे के पूरे क्या है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20 के बिटवीन है। 1 to 20 के बिटवीन इतने प्राइम नंबर कितने हैं, 8 है। 8 प्राइम नंबर 1 to 20 के बिटवीन आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया सेट वाई, और हमारा यूनिवर्सल सेट सेम रहेगा दोनों सेट के लिए। फिर से हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए हमने बोला था कि हम हमेशा क्या लेते हैं, रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद वाई सेट लिखना है, इसके लिए हम सर्कल लेंगे। ये हो गया हमारा वाई। ओके, अब वाई के एलिमेंट सर्कल में लिख दो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। अब बचे हुए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट हम सेट में रेक्टेंगल में लिखेंगे। 1, 2 हो गया, 3 हो गया, देन 4, देन 5 हो गया, 6, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11 हो गया, देन 12, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 हो गया, 18, 19 and 20, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट किस में आएंगे, रेक्टेंगल में। लिखते समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो थोड़ा दूर दूर लिखना है, मतलब वो कंबाइन नहीं होने चाहिए, मतलब पता चलना चाहिए कि हमने नंबर कौन सा लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ी केयर लेनी पड़ेगी लिखते समय। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद एक पी सेट दिया है 1, 3, 7, 9। और क्या पूछा है हमें, देन शो दैट सेट यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम। हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो तीन सेट है यू पी एंड पी डैश, इसको हमें वेन डायग्राम में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है वेरीफाई पी डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू पी। ओके, तो यहाँ पे यू गिवन है, पी गिवन है, हमें निकालना क्या पड़ेगा, पी डैश। अब पी डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसे कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे पी डैश मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन पी बट प्रेजेंट इन यू। ओके, पी डैश क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन पी, मतलब वो यू में तो है लेकिन पी में नहीं है, ऐसे कलेक्शन को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, मतलब वो पी में नहीं होनी चाहिए लेकिन यू में होनी चाहिए, ठीक है। पी में नहीं होनी चाहिए लेकिन यू में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी में क्या है, 1, 3, 7, 10, तो ये पी में है, पी में नहीं होने चाहिए लेकिन वो किस में होनी चाहिए, 10 में, सॉरी यू में होनी चाहिए। तो ये एलिमेंट छोड़ दो, 1, 3, 7, 10, ये पी में नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं होने चाहिए, तो पी डैश में कौन से एलिमेंट होंगे, 2, 3, 7, तो इसमें ही है, तो 8, 9, 11, 12, तो ये बनेगा हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन पी, पी में नहीं होनी चाहिए। 2, 8, 9, 12, 11, 12 पी में है क्या, नहीं पी में नहीं होनी चाहिए लेकिन किस में होनी चाहिए, यू में। अब इसका क्या करना है, ये तीनों सेट का यू पी और पी डैश का हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यू। अब पी के लिए मैं सर्कल लेता हूँ, ठीक है। तो पी के एलिमेंट हम लिख लेंगे 1, 3, 7, 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10, ये हो गया हमारा पी। ओके, अब पी कॉम्प्लीमेंट में बचे हुए एलिमेंट 2, 8, 9, 11, 12, 2,
एट नाइन इलेवन ट्वेल्व, ये जो पी के बाहर का जो पोर्शन होगा वो शेडेड पोर्शन अगर हमें निकालते हैं तो ये क्या होगा, पी कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, पी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से भी हम इजीली, यहाँ तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है लेकिन वेन डायग्राम में एकदम इजी में बता सकते हैं कि अब पी में नहीं है लेकिन किस में है, यू में है, तो ये इसे क्या बोला जाता है, पी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरीफाई करना है क्या पी कॉम्प्लीमेंट का, फिर से कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो वो पी आता है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, पी वेरीफाई करना है, ठीक है। अब पी डैश क्या है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, क्या है, टू एट नाइन एलेवन ट्वेल्व। ओके, अब फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं, मतलब पी डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, फिर से कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन पी डैश। अब पी डैश का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, मतलब किसमें होने, यू में होनी चाहिए लेकिन पी डैश में नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या बनेगा, पी डैश ऑफ डैश इक्वल टू, मतलब पी डैश कौन सा है, बाहर वाला सेट है, ठीक है, बाहर वाला सेट पी डैश है, वो पी डैश में नहीं होनी चाहिए लेकिन किस में होनी चाहिए, यू में, तो मतलब जितने भी एलिमेंट पी में होंगे वो इस सेट में आएंगे पी डैश का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या आएगा, वन थ्री सेवन टेन, ठीक है, वन थ्री सेवन टेन। अगर इसे हम वन देते हैं, ठीक है, और इसे, ठीक है, और इसे हम टू देते हैं, इसे वन देते हैं और इसे टू देते हैं, ये एलिमेंट वन थ्री सेवन टेन और ये एलिमेंट पी डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट वन थ्री सेवन टेन सेम है, मतलब ये जो एलिमेंट है ये किसके है, पी के, तो हम इससे इजीली बता सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी डैश इज इक्वल टू पी, क्योंकि ये पूरे के पूरे एलिमेंट किसके हैं, पी के हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। देन फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक सेट गिवन है आपको ए और उसके तीन सबसेट बनाने हैं, तो आप वो खुद से करना है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप इजीली तीन सबसेट उसके बना सकते हैं। देन नेक्स्ट मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे दो सब क्वेश्चन गिवन है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट, यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है इसके सबसेट निकालने हैं, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बोला है विच सेट कैन बी अ यूनिवर्सल सेट फ्रॉम अबव सेट, मतलब जो अबव सेट्स गिवन है उसमें यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो सेट पी, पी से रिप्रेजेंट किया है, पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, मतलब पुणे में जितने भी रहने वाले रेसिडेंट्स है उसका एक सेट है जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, ओके, उसके बाद आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, उसके बाद बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया, एच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र, ओके। तो ये हमें कितने सेट है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव सेट्स गिवन है जिसका नेमिंग पी एम आई बी एच किया है, तो इनका हमें सबसेट रिलेशन लिखना है, मतलब कौन किसका सबसेट है ये हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में बताना है कि इन पांच सेट में से कौन सा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है, मतलब सबसे बड़ा वाला सेट जिसके बाकी के सेट क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी क्या है, पुणे, ठीक है, एम क्या है, मध्य प्रदेश रेसिडेंस इन मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे देखो इंडिया, पुणे क्या है, सिटी है, मध्य प्रदेश क्या है, स्टेट है, इंदौर क्या है, फिर से सिटी है, इंडिया इज कंट्री एंड महाराष्ट्र इज ऑल्सो स्टेट, ओके। तो इंडिया क्या है, सबसे बड़ा सेट होगा क्योंकि इंडिया में ये स्टेट आते हैं और उन स्टेट में क्या आती है, सिटीज आती है,
जैसे मान लो इंडिया, इंडिया के लिए क्या सिंबल यूज़ किया है, बी। इंडिया के लिए क्या यूज़ किया है, बी, मतलब इंडिया, इंडिया क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ, बी। ओके, और उसके नीचे क्या आएंगे, स्टेट आएंगे, मध्य प्रदेश आएगा और महाराष्ट्र आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्या है, स्टेट है। तो मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, एमपी के लिए, एमपी के लिए उन्होंने यूज़ किया कैपिटल यम, और उसके बाद महाराष्ट्र के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, यच, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, यच, कैपिटल एच। उसके बाद पुणे, पुणे एंड इंदौर, पुणे किस में आता है, महाराष्ट्र में आता है, पुणे, पुणे महाराष्ट्र में, उसके लिए पी। और इंदौर कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आता है, तो यहाँ पे उन्होंने इंदौर के लिए क्या लिया है, इंदौर के लिए लिया है आई, ठीक है, इंदौर के लिए है आई, क्योंकि यहाँ पे एच क्यों लिया है, क्योंकि एमपी से भी एम आता है, महाराष्ट्र से भी एम आता है, इसलिए एमपी के लिए उन्होंने एम लिया और महाराष्ट्र के लिए एच लिया। वैसे इंदौर के लिए आई है तो इंडिया के लिए भी आई होता, तो उन्होंने इंडिया के लिए क्या लिया है, बी लिया है, और पुणे के लिए पी लिया है। अब हमें इन सारे सेट्स का रिलेशन बताना है सबसेट में। उन्होंने क्या बोला है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन ऑल द सेट्स। ओके, तो सबसे बड़ा वाला सेट क्या होगा, इंडिया। तो हम लिख सकते हैं कि इंडिया मतलब इंदौर किसका सबसेट होगा, एमपी का। आई इज अ सबसेट ऑफ, आई इज अ सबसेट ऑफ एम, क्योंकि इंदौर किस में आता है, एमपी में आता है। आई ऑल्सो सेट ऑफ बी, और इंदौर इंडिया में भी आता है, तो आई किसका सबसेट है, एम का भी है और बी का भी है, बी मतलब इंडिया। फिर से एम इज अ सबसेट ऑफ बी, एम इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि मध्य प्रदेश किस में आता है, इंडिया में। छोटा वाला क्या है, स्टेट है, इंडिया बड़ा है, तो छोटा वाला सेट क्या होता है, सबसेट होता है, और बड़ा वाला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसमें स्टेट, ये स्टेट है और ये सिटी है, तो ये छोटी होगी। तो आई इज अ सबसेट ऑफ यम, आई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में तो है लेकिन इंडिया में भी है, तो आई इज अ सबसेट ऑफ यम एंड आई इज अ सबसेट ऑफ बी, और फिर एम इज अ सबसेट ऑफ बी इंडिया। ये हो गया इसके लिए। फिर से ये पी इज अ सबसेट ऑफ एच, कैपिटल एच महाराष्ट्र, पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, पी, तो पी इज अ सबसेट ऑफ एच एंड ऑल्सो पी इज अ सबसेट ऑफ आई, पी इज अ सबसेट ऑफ आई, पी इज अ सबसेट ऑफ आई, सॉरी बी, इंडिया के लिए बी यूज किया है, तो पी ऑल्सो सबसेट ऑफ बी एंड एच ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, एच ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे हमें रिलेशन यहाँ पे लिखने हैं, ये सिक्स रिलेशन हमें ये सेट के लिखने हैं, जो कि ये सबसेट रिलेशन है, मतलब आई किसका सबसेट है, एम का। आई फिर से ये सबसेट किसका है, बी का। एम किसका सबसेट है, बी का। पी एच का सबसेट है, पी ऑल्सो बी का सबसेट है, और एच फिर से बी का सबसेट है। और दूसरे इसमें क्या पूछा है, दूसरे सब क्वेश्चन में, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम अबाउ सेट, मतलब जितने भी सेट गिवन है हमें उसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट। तो सबसे बड़ा जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब कौन सा सेट, इंडिया। तो हम क्या लिखेंगे, इन अबाउ सेट, इन अबाउ सेट्स, इन अबाउ सेट द सेट ऑफ द बी इज द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, बी सेट, सेट द, इन अबाउ सेट्स द सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट, सेट बी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। नाउ मूव ऑन अ सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच सेट ऑफ अ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट
फॉर द सेट्स आर गिवन बिलो, मतलब हमें नीचे कुछ सेट्स गिवन है, हमें क्या पूछा है कि विच सेट्स ऑफ अ नंबर्स कुड बी अ यूनिवर्सल सेट, इनके लिए कौन से नंबर्स के सेट क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। अब नंबर के सेट मतलब क्या कि हमें कौन से नंबर पता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इस इन नंबर के जो सेट्स है वो, ये जो हमें गिवन सेट्स है, नीचे जो हमें सेट्स गिवन है, इनके कौन से यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा, लिस्टिंग फॉर्म में। तो पहला सेट ए गिवन है, हमें क्या गिवन है, सेट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फाइव। तो इसका सेट कैसे बनेगा, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, सो ऑन, ओके, ये बनेगा ए। फिर बी क्या बनेगा, बी इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ सेवन, सेवन के मल्टीपल, सेवन, फोर्टीन, ट्वेंटी वन, सो ऑन, ओके। फिर ट्वेल्व का मल्टीपल सेट सी, ट्वेल्व, ट्वेंटी फोर, थर्टी सिक्स, सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग फॉर्म। अब उन्होंने पूछा क्या है, विच सेट ऑफ नंबर, मतलब नंबर के जो सेट्स से, है वो इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो वन टू थ्री, वन टू थ्री से स्टार्ट होता है। होल नंबर का सेट लेते हैं तो जीरो, जीरो, वन टू थ्री से स्टार्ट होता है। इंटीजर, निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विथ जीरो, इंटीजर्स। तो कौन से सेट इन सेट के लिए क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेल्व, सेवन, फोर्टीन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सी ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद होल नंबर है क्या, होल नंबर भी है, ये भी कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, बी इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड सी इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स है क्या, इंटीजर्स भी है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट किस में आएंगे, इंटीजर में आएंगे, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव नंबर भी होते हैं, तो इंटीजर्स भी आएंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, बी इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड सी इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट, इन तीनों सेट के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के सेट जो है ये इनसे क्या है, बड़े हैं, ये पूरे के पूरे उनके क्या है, सबसेट है। इसीलिए नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स इनके लिए क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, हेयर, हेयर सेट, सेट ए बी सी आर सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, होल नंबर, होल नंबर कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू, देन इंटीजर्स, इंटीजर्स आई, ठीक है। इनके ये क्या है, सबसेट है, ए बी सी तीनों इसके सबसेट है। देन एन डब्लू एंड आई इज अ यूनिवर्सल सेट, सॉरी आर, आर द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, तीनों सेट के लिए वो क्या है, उसके यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नेक्स्ट जो सब क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्या बोला है, पी इज अ सबसेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फोर, पी इज अ इंटीजर सबसेट मल्टीपल ऑफ अ फोर, एंड यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम, पी को क्या लिखेंगे वही फॉर्म में। अब मल्टीपल्स ऑफ फोर और इंटीजर से कुछ भी हो सकते हैं, माइनस एट, माइनस फोर, फोर, एट, ट्वेल्व,
ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ फोर का सेट बना। फिर टी, टी क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वेयर नंबर, मतलब इवन नंबर के स्क्वेयर, मतलब टू इवन नंबर तो उसका स्क्वेयर क्या होगा, फोर, देन फोर, फोर का सिक्सटीन, फोर के बाद सिक्स, थर्टी सिक्स, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये भी क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो सेम होगा यहाँ पर भी, इसके लिए भी क्या होंगे, ये तीनों के तीनों सेट क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट होते हैं। कौन से, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट, इसके लिए भी क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों सेट के लिए भी वो तीनों सेट क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे। आपको सेम यहाँ पर लिखना है, सिर्फ चेंज क्या करना है, सेट ए बी सी की जगह आपको क्या लिखना है, पी एंड टी लिखना है। ठीक है, इसके बाद सेवन क्वेश्चन पूछा है। सेवन क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सेट गिवन है ए, उसमें क्या बोला है कि सेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर द 50% और मोर देन 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ द स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50 मार्क्स, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है वहाँ पे मोर देन 50 मार्क्स बोला है। तो उसमें क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि सेट ए डैश इज अ सेट ऑफ अ स्टूडेंट हु सिक्योर द लेस देन 50% मार्क इन मैथ्स। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके,